सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा सातवीं का गणित अध्याय दो, परिमेय संख्याएं। आगे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या क्या होते हैं और इसका हम लोग आप पूरे चैप्टर में परिमेय संख्या के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होते हैं। उससे जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को कैसे हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है। राधा ने अपने साथियों से पूछा, क्या तुम दो संख्याओं के अंतर को तीन भागों में बांट सकते हो? क्या आप बांट सकते हैं? आगे देखते हैं, उसका दोस्त है हामिद, वो बोलता है क्यों नहीं। हामिद नाम का जो उसका दोस्त है राधा का, वो बोलता है क्यों नहीं। यदि संख्याएं 10 और 9 हो तो 10 और 9, 10 भागित 9 को करेंगे 1 को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में कितना आएगा? 1/3 होगा, ठीक है। फिर जो सुरेश है वो बोलता है, 1 को 3 भागों में बांटना हो तो हमने भिन्न के अध्याय में सीखा है, परंतु 9/10 में अगर 1 हो तो इसे 3 भागों में कैसे बांटेंगे? ये सभी सोच रहे थे। तो -1 ऋणात्मक 1 को 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं? तभी राधा ने सुझाया कि जिस तरह संख्या रेखा में शून्य के दाई ओर एक 3 भागों में से एक भाग को लेकर 1/3 प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से शून्य के बाई ओर चलकर भी 3 भागों में से 1/3 भाग प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है देखते हैं। तो जब हम लोग संख्या रेखा देखें, एक संख्या रेखा बनाए, मिड में ले लिया हम लोग, मध्य में ले लिए 0, एक तरफ हो गया धनात्मक संख्या। देखो, एक तरफ हमने क्या लिया है? धनात्मक संख्या। एक तरफ लिया है हम लोग ऋणात्मक संख्या। तो 1 को 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं? संख्या रेखा में हम लोगों ने क्या किया, सेम जो पहले हम लोग करते थे, क्या किया, समान दूरी पर एक एक लाइन, एक एक भाग बनाया, एक भाग, दो भाग और 3 भाग, क्लियर। और इधर क्या किया हम लोगों ने, 3 भाग इधर भी बना लिया, क्योंकि हम लोग को माइनस ऋणात्मक 3 को भी बांटना है। तो क्या किया, एक भाग चला, फिर दो भाग चला, फिर 3 भाग चला, फिर ऐसे ही क्या किए, इधर भी ऋणात्मक 3 को ऋणात्मक साइड में क्या किए, 1, 2 और 3, 3 भाग ले लिए। तो इधर क्या आ गया, -1 और इधर क्या आ गया, +1। लेकिन आपको पता है कि जो तुल्य परिमेय या परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जो भिन्न में अंश और हर के रूप में होती है, या फिर अलग अलग भागों में घटा, क्या बोलना चाहिए, अलग अलग भाग में कैसे किसी संख्या को कैसे कितने भागों में बांटना है, वो किससे ज्ञात होता है हमको? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो होती है, परिभाषा के रूप में देखते हैं कि परिमेय संख्याएं वो होती है जो हम किसी भी संख्या को या किसी भी चीज़ को उसके बराबर भागों में, बराबर संख्या के रूप में बराबर भागों में बांट सकते हैं। और ये किस प्रकार होता है, इसको अंश और हर या फिर तुल्य परिमेय या अंश और हर के रूप में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको पता चला कि क्या अगर हम लोगों को किसी भाग में बांटना है या फिर किसी को परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो वो हमेशा धनात्मक में होगा। ये जोड़ना क्या होगा, सिर्फ धनात्मक में होगा, इसमें हम लोग घटा नहीं सकते हैं, क्लियर। अब देखते हैं, हमको एक सारणी दिया गया है, आपके पुस्तक में देखना, पाठ्य पुस्तक में एक सारणी दिया हुआ है, उसमें एक को अंश तथा दूसरे को हर मानकर परिमेय संख्या बनाइए। परिमेय संख्या में क्या होता है, एक भाग होता है अंश, अंश किसको बोलते हैं, जो हमारा ऊपर वाला एक ये भाग होता है जिसके ऊपर में जो भी लिखा होता है वो अंश होता है, और ये क्या होता है, उसका हर होता है, हमको पहले से पता है, ठीक है। तो हमको दो संख्याएं दी हुई है सारिणी में जो पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं को क्या करना है, उसमें से एक को अंश मानना है, दूसरे को हर मानना है, और क्या करना है, परिमेय संख्या का निर्माण करना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है, वो क्या है, 2 व 3 को। तो पहले क्या किए, 1 को 2 को अंश ले लिए, दूसरे को हर ले लिए, तो क्या परिमेय संख्या बना, 2/3 भाग, 3 भाग में से दो हिस्से आएंगे, ठीक है। वैसे 1 को हर माना, 3 को फिर क्या माना, अंश माना, तो परिमेय संख्या क्या बन गया, 3/2। हम लोग जो दो संख्याएं दी है उसको दो प्रकार से अंश और हर में बांट सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, -5 और 7 को। तो पहले क्या लेंगे, अंश में -5 लेंगे, हर में क्या ले लेंगे, 7। तो क्या होगा, -5/7, क्लियर। वैसे ही दूसरे में क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और इसमें 5 ले लेंगे, तो क्या हो गया, 7 -5, क्लियर। ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, 4 और 8 ले लिए, तो 4/8 हो गया, और ये क्या हो गया, 8 व 4 ले लिए, तो -8/4 हो गया, क्लियर। ये -7 और -9 ले लिए, तो क्या होगा, 7/9 हो गया,
उसके बाद क्या ले लिए, अगर 9 ले लिए और इसको क्या ले लिए, माइनस 7 ले लिए, तो क्या होगा 9/7, इसका जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 ले लिए, इसको 6 ले लिए, तो क्या हो गया 1/6, इसको 6 ले लिए, इसको 1 ले लिए, तो क्या होगा 6/1। क्लियर, हम लोगों को परिमेय संख्या ज्ञात करना आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्राकृत संख्या के समूह। प्राकृत संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पता है कि प्राकृत संख्या जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं उसको एक से दर्शाते, एन से दर्शाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, एक होती है, हमने कक्षा 6वीं में अध्याय में पढ़ा है। ठीक है, तो जो एक होता है वो प्राकृत संख्या सबसे छोटी होती है, और एक के बाद जितनी भी संख्याओं का गणना के लिए उपयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक, उसको एन से दर्शाते हैं। उसी प्रकार परिमेय संख्याओं के जो समूह होते हैं, रैशनल नंबर के समूह जो होते हैं, उसको किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। मतलब जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्यू, पी बाई क्यू लिखेंगे। क्यू परिमेय संख्या में जो अंश होता है और हर होता है, जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं उसको क्या बोलते हैं। यदि अंश, अंश को क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे, और क्यू किसको बोलेंगे, हर को बोलेंगे। ठीक है, तो इसको रोटेशनल, रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। मतलब आपका ये हो गया परिमेय संख्या, पी बट्टा क्यू क्या हो गया, पी जो है अंश है और क्यू जो है वो हर है, और जहाँ पे दोनों पूर्णांक होते हैं। क्लियर, किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं दिया जा सकता। क्लियर, ये अपरिभाषित है, इसलिए पी बट्टा जीरो की गणना नहीं की जा सकती। हमारे पास पी बट्टा जीरो जो होगा उसकी गणना नहीं होगी, और वह किसी निश्चित संख्या को नहीं दर्शाती है। अतः पी बट्टा क्यू जो, पी बट्टा ओ जो है, या जीरो जो है, वो क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, और जितने भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाती है। पी बट्टा क्यू जितनी भी होती है वो पूर्णांक संख्या में होती है, और वो क्या होता है, परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती है, मतलब रैशनल नंबर क्यू को शो करती है। इस प्रकार जो परिमेय संख्या होती है जिसे पी क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है, तथा क्यू बट इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। क्लियर, आगे देखते हैं, पूर्णांक संख्याओं का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण। क्या प्रत्येक जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो एक परिमेय संख्या भी है, क्या आपको पता है? तो पूर्णांक संख्याओं के एक उदाहरण है 4, 8, 11, -3, -7, मतलब ऋणात्मक 3 और ऋणात्मक 7। तो आइए सोचें कि हम 4 को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/1, फिर 4 का 4 के साथ 2 के गुणा कर दिए तो 8/2, 4 का तीसरा भाग हो गया 12/3, इत्यादि किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं, कितनी और तरीकों से 4 को लिखा जा सकता है? आगे देखते हैं, इस प्रकार 7 को कैसे लिख सकते हैं, 7 -7/1, -7/2, -21/3 ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हो गया 14 जो है वो -14/2 होगा, इत्यादि के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी क्या होंगे, अंश और हर अर्थात परिमेय संख्या के रूप में है, क्योंकि इनके जो अंश और हर जो दोनों हैं वो कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। क्लियर, तो इसलिए अभी सभी पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 3 क्या हो गया, आगे 3/-3 है तो 3/6 हो गया, 9 हो गया, ये हो गया 12। ठीक है, फिर दूसरा दिया हुआ है 13, 13 × 26, 13 × 39, ऐसे ही आगे लिखते जाना है। ऐसे लिखते हैं 10 × 20, 10 × 30, इसके आगे आप लिखेंगे 100 है तो 200, 200 × 300, इसके आगे आप लिखेंगे। हमको क्या करना है, टेबल पढ़ते जाना है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्लियर, ठीक। या फिर ये कर सकते हैं इसको हम लोग, ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, क्लियर। अब देखते हैं तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक को कई परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, प्रत्येक अलग अलग परिमेय संख्या के, और इन सभी परिमेय संख्याओं का मान उस पूर्णांक के समान ही होता है। हमने देखा कि किसी भिन्नात्मक संख्या को भी समान मान वाली एक से अधिक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्या यह परिमेय संख्या भी होता है, आइए देखते हैं। क्या बोल रहा है ये,
कि हम लोग परिमेय संख्या को तो हमने किसी भी रूप में ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, लेकिन क्या हमने देखा कि किसी भिन्नात्मक संख्या को, भिन्नात्मक मतलब हो गया अलग संख्याओं को समान मान वाली एक से अधिक संख्या के रूप में क्या हम लिख सकते हैं? अच्छा देखते हैं कि कैसे होता है। एक डायग्राम दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, उसमें क्या दर्शाता है? रेखांकित भाग किसको दर्शाता है? एक भाग। इसमें तीन भाग हैं जिसमें से दो समान भाग है और एक जो भाग है वो रेखांकित भाग है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि दो, देखो फिर दूसरा चित्र देखते हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं कि दो समान भाग करने पर कुल छह भाग में से दो भाग रेखांकित हो गए। पहला जो तीन भाग दिया हुआ है उसमें से एक भाग रेखांकित है, लेकिन अगर उसमें हम लोग एक और चित्र ऐड कर दिए तो उसमें दो भाग रेखांकित हो गए और कुल खाने की संख्या कितनी हो गई? छः हो गई, ठीक है। इसी प्रकार जब हम लोग देखते हैं तीन समान भाग करने पर, अगर तीन समान भाग एक दो और तीन समान भाग किए तो उसमें कितनी संख्याएं होंगी? नौ संख्याएं होंगी और जिनमें से कितने भाग रेखांकित हैं? तीन भाग रेखांकित है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तीन बट्टा नौ भाग है रेखांकित, जो पूरे एक बट्टे, पूरे का एक बट्टे तीन है। ये तीन में से एक बट्टा भाग क्या है? रेखांकित है। तो क्या दो बट्टे छः एवं तीन बट्टे नौ दोनों वास्तव में क्या है? एक बट्टा तीन के ही बराबर है, अर्थात एक बट्टा तीन, दो बट्टा छः, तीन बट्टा तीन परस्पर क्या है? तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर? तीनों का क्या है? उतना ही एक बट्टा तीन भाग निकलेगा, मतलब पूरे नौ में एक बट्टा तीन भाग ही क्या है? रेखांकित है। क्लियर? आप देखते हैं यदि भिन्नात्मक संख्या ऋणात्मक हो तो क्या कर सकते हैं? उस संख्या के अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा करने पर मान नहीं बदलता है। जैसे क्या होगा, एक बट्टा दो के अंश व हर में क्या करेंगे? माइनस एक बट्टा दो है, उसके अंश और हर में क्या करेंगे? दो का गुणा कर दिए। तो माइनस है तो एक बट्टा दो और दो एक बट्टा दो में दो बट्टा दो का गुणा कर दिए, तो दो दुनी चार ये हो गया। वैसे ही इसका तीन का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, चार का गुणा करने पर चार एकम चार और चार दुनी आठ मिलेगा। क्लियर? एक समान संख्या से गुणा करना है ना। परिमेय संख्याओं का स्वरूप बदल रहा है परंतु एक बट्टा दो ही है, जो मान है वो क्या है? एक बट्टा दो ही है। इस प्रकार क्या देखो, जैसे एक बट्टा दो कैसे हुआ? दो एक कम दो, दो दुनी चार एक हो गया, तीन एक कम तीन, तीन दुनी छः हो गया, चार एक कम चार, चार दुनी आठ ये हो गया। तो परिमेय संख्याओं का जो मान है वो क्या है? सेम है। और क्या है इसके मान में? परिमेय संख्या का स्वरूप तो बदल गया, मतलब वो चेंजेस हो गया उसके मान में। जो एक बट्टा दो हो गया वो क्या था? दो बट्टा चार हो गया, दो बट्टा चार के बाद तीन बट्टा छः हो गया, तीन बट्टा छः के बाद क्या बचते? चार बट्टे आठ हो गया। लेकिन क्या हो गया, उसके जो मान है वो क्या है? बराबर ही है, मतलब एक बट्टा दो ही है। इस प्रकार क्या हो गया, एक दूसरे के माइनस दो बट्टे चार माइनस तीन बट्टे छः माइनस चार बट्टे आठ क्या हो गया? एक दूसरे के तुल्य परिमेय हैं, ठीक है। क्या आप छः बट्टे अट्ठारह, एक बट्टा दो, दो बट्टे पाँच, दो बट्टे छः, चार बट्टे दस इन सभी और में तुल्य परिमेय संख्याओं के समूह को छांट कर लिख सकते हैं? देखते हैं कैसे लिखना है हमको। दो बट्टे पाँच है तो क्या हो गया, चार बट्टे दस हो जाएगा ये वाला, ठीक। और क्या होगा, छः बट्टे पंद्रह हो जाएगा। इसमें देखते हैं एक बट्टा तीन है तो दो बट्टा छः ये वाला हो गया। अब देखते हैं निम्न तालिका, आपके पाठ्य पुस्तक में एक तालिका दी होगी उसको देखते हैं, उसके अनुसार तुल्य परिमेय संख्याएं लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, दो बट्टा पाँच का तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा? चार दुनी दस, छः बट्टा पंद्रह, आठ बट्टा बीस और दस बट्टा पच्चीस। वैसे ही क्या होगा तीन का, छः बट्टा चौदह और क्या, नौ बट्टा इक्कीस, बारह बट्टा अट्ठाईस, पंद्रह बट्टा पैंतीस, ये क्या हो जाएंगी? तुल्य परिमेय संख्या हो जाएंगी। और आठ का देखते हैं, सोलह बट्टा बाईस, चौबीस बट्टा तैतीस, ये होगा तुल्य परिमेय संख्या। उसका पहाड़ा पढ़ते जाना उतने ही भाग आ जाए।